आज हमने एक सीक्रेट मसाला बना के एकदम टेस्टी और चटपटी ढाबा स्टाइल पालक पनीर की सब्जी बनाई है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं एकदम टेस्टी और चटपटी ढाबा स्टाइल पालक पनीर की सब्जी। पालक को ब्लांच कर लेते हैं। कढ़ाई में 1.5 कप पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चीनी। नमक और चीनी डालने से पालक का कलर हरा रहेगा। पानी में 1 उबाल आ गया है, इसमें पालक डाल देंगे। 1 बड़ा बंच पालक का लिया था, इसे मैंने साफ करके 3 से 4 बार पानी से धो के लिया है। ये 200 ग्राम जितनी पालक है। 1 मिनट तेज आंच पे इसे ब्लांच किया है। इसमें 4 लहसुन की कली डालेंगे। 3 कम तीखी वाली हरी मिर्च है। तीखी वाली हरी मिर्च आप न ले। 1 छोटा टुकड़ा अदरक का है, इसे चॉप करके डाल देंगे। 1 छोटा बंच हरा धनिया का लिया था, इसे मैंने साफ करके 3 से 4 बार पानी से धो लिया है। और धनिया की हमें डंडी भी साथ में लेनी है। 3 से 4 मिनट इसे उबाल लेते हैं तेज आंच पे। 3 से 4 मिनट इसे उबाल लिया है, गैस ऑफ कर देंगे। इसे कढ़ाई में से निकाल के इसे ठंडा कर लेते हैं। पालक को मैंने स्ट्रेनर में निकाल दिया है। फ्रिज का ठंडा पानी ऊपर डालना है। मिक्सर जार में डाल के इसकी प्यूरी बना लेते हैं। सब्जी में डालने के लिए एक ड्राई मसाला बना लेते हैं। 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1.5 टीस्पून तेल, 1.5 टीस्पून 3 लौंग, 4 काली मिर्च। 1 मिनट धीमी आंच पे इसे भुना है। 2 टीस्पून सूखा नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट, 2 सूखे लाल मिर्च, 2 स्ट्रिप करी पत्ता के डाल देंगे, 5 कली लहसुन, 2 टुकड़ा अदरक का। धीमी आंच पे इसे भुनेंगे लगातार चला के। 1 टीस्पून नारियल का बुरादा और डाल रही हूँ। टोटल मैंने 3 टीस्पून डाला है। नारियल का बुरादा थोड़ा भुन गया है, आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन कलर आ गया है। गैस ऑफ कर देंगे। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 पिंच हल्दी पाउडर, ज्यादा नहीं डालना है। पैन गरम ही है, इसमें हम थोड़ी देर चलाते रहेंगे इसे। गैस चालू नहीं करना है। मसाला ठंडा हो जाए तभी इसे मिक्सर जार में डाल के फाइन पाउडर बना लेते हैं। कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल हमने डाल दिया है। 1 बड़ी साइज का प्याज कद्दूकस करके लिया है, ये डाल देंगे। प्याज को चला के इस तरह से स्प्रेड करके रखेंगे और तेज आंच पे इसे कुक करेंगे। ढक्कन लगा के इसे कुक करना है। ढाबा और रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं कि प्याज और टमाटर पहले से ही भून के रख लेते हैं, तो हम ये प्याज और टमाटर भून रहे हैं। 2 मिनट के बाद देख लेंगे, चला लेंगे। वापस इसे इस तरह से फैला के रख देंगे। इस तरह से रखने से प्याज जल्दी से भूनता है। ढक्कन लगा देंगे। प्याज को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये जल नहीं जाए। हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज को मैंने मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक किया है और बीच बीच में 3 से 4 बार चला लिया था। प्याज का कलर हमें गोल्डन ब्राउन करना है, इसे जलाना नहीं है। अगर प्याज जल गया तो ये कड़वा लगेगा, तो ध्यान रखें जलना नहीं चाहिए। 2 बड़ी साइज के टमाटर कद्दूकस करके लिए है, ये डाल देंगे, चला लेंगे। ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे तेल सेपरेट हो जाए तब तक इसे कुक करेंगे।
टमाटर भी अच्छे से कुक हो गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ढाबा वाले लोग प्याज और टमाटर को भून के रखते हैं। गैस ऑफ कर देंगे, प्याज और टमाटर की पेस्ट रेडी है। कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा, जीरा को लाइट ब्राउन भून लेंगे। 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप करके लिया है, ये डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भून लेते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तब तक इसे भून लिया है। हमने प्याज और टमाटर का मसाला बनाया था, ये डाल देंगे, ये पूरा डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम धीमी रखनी है। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप हरा धनिया, सूखा मसाला हमने भुना था इसका मैंने पाउडर बना लिया है, ये डाल देंगे। शुरू में हमने मसाला भुना था ना, इसका पाउडर बनाया है। अच्छे से चला लेंगे। 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून सांभर मसाला। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक टेबलस्पून कसूरी मेथी, 4 से 5 टेबलस्पून दही को स्ट्रेनर में डाल दिया था और इसे 4 से 5 घंटा तक इसे फ्रिज में रखा था ताकि उसका खट्टा पानी सारा निकल जाए। ये पानी निकाला हुआ दही 2 टेबलस्पून है, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। दही का पानी हम निकाल के लेंगे तो खट्टा पानी सारा निकल जाएगा और इसे धीमी आंच पे ही मिक्स करना है। 2 टेबलस्पून क्रीम डालेंगे या आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं। मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तेल सेपरेट हो जाए तब तक मैंने इसे कुक कर लिया है। 1/2 कप गर्म पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है। पहले मैंने 1/4 कप डाला था और ये 1/4 कप, 1/2 कप पानी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और तेज आंच पे कुक करेंगे। तेल सेपरेट हो जाए तब तक इसे मैंने तेज आंच पे कुक कर लिया है। पालक हमने ब्लांच की थी, इसकी प्यूरी बनाई है, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक चौथाई कप पानी मिक्सर जार में डाल के ले लिया था। तेज आंच पे तेल सेपरेट हो जाए तब तक इसे हम कुक कर लेते हैं। तेल सेपरेट हो जाए तब तक हमने इसे कुक कर दिया है, चला लेंगे। 250 ग्राम पनीर को गर्म पानी में नमक डाल के 1/2 घंटे के लिए भिगो के रखा था, ये पनीर डाल देंगे। पनीर को फ्रिज में से निकाल के डायरेक्टली न डालें, इसे गर्म पानी में थोड़ी देर रखें, उसके बाद ही अंदर डालें। पनीर एकदम सॉफ्ट रहेगा। पच्चीस ग्राम पनीर को कद्दूकस किया है, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। 1/4 कप गरम पानी डालेंगे, धीमी आंच पे तेल सेपरेट हो जाए तब तक हम इसे कुक कर लेते हैं। थोड़ा पानी और डाल देते हैं, 1/3 कप जितना पानी डाला है, धीमी आंच पे कुक करेंगे। इसे मैंने 12 से 15 मिनट तक धीमी आंच पे कुक किया है और बीच बीच में चला लिया था और आप देख सकते हैं ऊपर तेल भी सेपरेट हो गया है।
और हम ढाबा में जैसे पालक पनीर की सब्जी खाते हैं वहां पे कैसा कलर होता है आप देख सकते हैं, वैसा ही कलर इसका आ गया है और सब्जी की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। फ्रेंड आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। ढाबा स्टाइल पालक पनीर रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे। इसे आप रोटी पराठा नान तंदूरी रोटी तंदूरी पराठा और तंदूरी नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ढाबा स्टाइल एकदम टेस्टी और चटपटी पालक पनीर की सब्जी रेडी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।